हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्रा सीएससी हेल्पलाइन में। दोस्तों, जब आप ई मित्रा लॉगिन करते हो तो लॉगिन करते समय डैशबोर्ड में कुछ दो तीन चीज़ अपडेट हुई है, तो दो तीन अपडेट हुई है वो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। और जो अपडेट हो चुकी है उसमें जो अवेलेबल सर्विस है, एप्लीकेशन सर्विस है, तो वो आपको कहाँ से मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, वो जानकारी आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे और करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। इसके लिए सबसे पहले आपको आपका ई मित्र लॉगिन करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप इस प्रकार से आपका ई मित्र लॉगिन करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने पेज आता है। उसके बाद में आपको एक्नॉलेजमेंट रोल वाले ऑप्शन पे ओके करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे ओके कर देते हो तो इस प्रकार से आपके सामने पेज आएगा। देखिए दोस्तों, ये ई मित्रा पे सिस्टम है जो चेंज हो चुका है। आपको यहाँ पे अपडेट वर्जन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डैशबोर्ड का जो अपडेट वर्जन है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको जो सर्विस दिखाई दे रही है, जो सर्विस आपने ज़्यादा उपयोग की है वो सर्विस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है क्विक सर्वे सर्विस के अंदर। उसके बाद अगर हमें एप्लीकेशन वाला सेक्शन खोलना, दो नंबर वाला सेक्शन आता था हमारे पास में एप्लीकेशन टाइप सर्विस, तो इसके अंदर हमें नीचे एप्लीकेशन टाइप सर्विस ये दिखाई दे रहा है, आपको इस पर ओके करना है। उसके बाद में अगर हमें यूटिलिटी वाला ऑप्शन ओपन करना है तो यहाँ पे डैशबोर्ड पर हम जैसे ओके करोगे आप या फिर मैं करता हूँ तो इस प्रकार से सेम टू सेम आपके सामने वही ऑप्शन आता है। उसके बाद हमें यूटिलिटी टाइप सर्विस इस पर ओके करना है। जैसे हम इस पर ओके करेंगे तो पेज रीलोड हो गया, इस प्रकार से हमारे सामने आ जाएगा जो कि अभी ई मित्रा के डैशबोर्ड है जो अपडेट हुआ है। आप सभी को पता है, आप सभी को मैं बता रहा हूँ। उसके साथ साथ में इसमें एक भी और अपडेट हुआ है, वो भी मैं आपको उसके साथ में ही बता देता हूँ। देखिए इसमें जो अपडेट हुआ है एक और, वो ये हुआ है रीफिल वॉलेट का। जैसे आप रीफिल वॉलेट के ऊपर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने डायरेक्ट रीफिल वॉलेट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप अमाउंट डाल के रीफिल कर सकते हो। पहले हमें फाइनेंशियल सर्विस के अंदर आना पड़ता था, फाइनेंशियल के अंदर वॉलेट के अंदर रीफिल में आना पड़ता था, लेकिन हमें यहाँ से डायरेक्ट रीफिल का ऑप्शन है जो मिल रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, जब तक मैं नई वीडियो लेके आऊँगा आपको, तब तक इसी यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं आप सबके लिए ई मित्रा सीएससी और एजुकेशन से रिलेटेड इसी प्रकार की नई नई जानकारी लेके आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।